सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज, अगर आप 2024 में 1 लाख के अंदर जो है कोई भी बाइक लेने की सोच रहे, जिसमें आपको एक बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाए, काफ़ी बेहतरीन माइलेज देखने को मिल जाए और एक अच्छा पावर देखने को मिल जाए, तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है भाई। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैंने जो है टॉप 5 बाइक्स ली हैं जो 1 लाख के अंदर आती है ऑन रोड, और ये बाइक्स को जो है मैंने 5 से लेकर 1 तक रैंकिंग की है। रैंकिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग की है, आप वीडियो पूरा देखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और हो सकता है भाई जो मैंने बाइक रखी है 5th या 4th नंबर पर, वो आपके लिए 1st नंबर की प्रियोरिटी भी हो सकती है, तो रैंकिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं उसकी। बेसिकली ये जो मैंने रैंकिंग की है भाई, जितनी भी बाइक्स ली उनको मैंने पर्सनली चलाया है। सारी बाइक्स आपको डिटेल्ड रिव्यूज़, स्पीड टेस्ट, मोस्टली सारी बाइक्स आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा भाई। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ज़्यादा लेट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, 5th नंबर पे जो मैंने बाइक ली है वो है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आने वाली भाई, हीरो की पैशन एक्सटेक। और जी हाँ भाई, ये 110cc की मोटरसाइकिल है और काफ़ी बेहतरीन बाइक जो है आपको देखने को मिल जाती है 1 लाख के अंदर जो ऑन रोड। प्राइस जो है भाई, ये टोटल 2 वेरिएंट्स में आती है, एक है जो ड्रम वेरिएंट, एक है डिस्क वेरिएंट, और 95,000 से लेके 1 लाख तक इसका आपको प्राइस जो है वो देखने को मिल जाएगा ऑन रोड। और जो ये मैं सारी बाइक्स की प्राइस बता रहा हूँ, ये ऑन रोड वाराणसी की बता रहा हूँ, प्राइस जो भाई वो वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ एंड स्टेट्स में, तो आप एक बार अपने सिटीज़ एंड स्टेट के अकॉर्डिंग जो चेक कर लीजिएगा। तो गाइस, बाइक में आप देख सकते हैं आपको एक काफ़ी एक स्टाइलिश लुक देखने को मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन लुक देखने को मिल जाता है। अगर आपको एक स्टाइलिश कम्यूटर चाहिए तो डेफिनेटली ये बाइक आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। माइलेज जो है इसमें आपको आराम से भाई 60-70 KMPL का काफ़ी बेहतरीन माइलेज देखने को मिल जाएगा। बाइक में जो है फ्रंट में LED आपको DRL देखने को मिल जाएगा, डुअल LED प्रोजेक्टर देखने को मिलता है भाई। तो इस सेगमेंट में ना आपको किसी भी बाइक में जो है डुअल LED प्रोजेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली लाइट्स के मामले में रात में ये काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाली है। इंजन जो इसमें आपको 113.2 cc का देखने को मिल जाता है, सिंगल जेंडर 4-stroke 2-valve का, जो पावर प्रोड्यूस करता है भाई 9 PSK एंड टॉर्क जनरेट करता है 9.7 Nm का, और 117 किलो का कर्वेट के साथ आती है। तो पावर टू वेट रेशियो 110 cc के हिसाब से इसमें आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, और फुल्ली डिजिटल मीटर है, प्लस इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं अगर आपको बाइक में स्टाइलिश लुक चाहिए, बेहतरीन माइलेज चाहिए और जो है भाई पावर अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली पैशन एक्सटेक आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है भाई। तो अब आते हैं अपने, बढ़ते हैं भाई 4th नंबर की तरफ। तो 4th नंबर फिर से भाई हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भाई हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये करीब जो आपको 98,000 से लेके 1,02,000 या 1 लाख तक आपको देखने को मिल जाएगी ऑन रोड भाई। और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी एक आपको एक मैच्योर डिज़ाइन देखने को मिलता है। आपको एक अगर मैच्योर डिज़ाइन की बाइक चाहिए तो डेफिनेटली ये आपको पसंद आएगी। इसमें भी आपको फ्रंट में LED DRLs देखने को मिल जाते हैं और LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगा भाई। इंजन जो है इसमें 124.7 cc का आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, ये 125 cc की बाइक है और भाई पावर जो है ये करीब 10.7 PSK जनरेट करता है, 10.6 Nm का ये टॉर्क जनरेट करता है, 122 किलो के कर्वेट के साथ आती है भाई। और इसमें भी आपको जो है फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा। माइलेज ये अराउंड आपको जो है 50-60 KMPL दे देगा। तो गाइस, अगर आपको 125 cc की बाइक लेनी है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, जिसमें आपको बेहतरीन फीचर्स देखने को मिले, एक अच्छा डिज़ाइन देखने को मिले, तो डेफिनेटली सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। गाइस, अब आते हैं 3rd नंबर पर। तो भाई हम होंडा की बाइक्स को कैसे मिस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली 3rd नंबर पे जो आती है भाई वो है होंडा की CB Shine 125, या आप कह सकते हैं होंडा शाइन 125। इसका जो है इसमें भी आपको टोटल 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, एक है ड्रम वेरिएंट और दूसरा डिस्क वेरिएंट। तो प्राइस जो है वो 95,000 से 1 लाख आपको देखने को मिल जाएगी ऑन रोड। और जो इसका लुक्स है वो काफ़ी आपको एक डिसेंट लुक देखने को मिल जाता है भाई। काफ़ी टाइम से जो है शाइन जो है मार्केट में बनी हुई है, काफ़ी लोग का ट्रस्ट भी इस पर बना हुआ है भाई। अगर आपको एक मतलब होंडा के इंजन की रिलायबिलिटी चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, तो डेफिनेटली आप CB Shine की तरफ जा सकते हैं भाई। और पावर जो है ना इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है भाई। 123.9 cc का इसमें जो है इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve का, जो पावर ये प्रोड्यूस करता है ना भाई 10.6 PS का, और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो जो है भाई ये 113 किलो का कर्वेट के साथ आती है। तो पावर टू वेट रेशियो काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। मतलब आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको एक डिसेंट लुक चाहिए, इंजन से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इंजन आपको एक काफ़ी स्मूथ काफ़ी पावरफुल इंजन चाहिए 1 लाख के अंडर में, तो डेफिनेटली CB Shine जो है आपके लिए काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। मीटर इसमें हालांकि आपको एकदम सिंपल मीटर देखने को मिलता है, काफ़ी रॉ बाइक है, एकदम एनालॉग मीटर देखने को मिल जाएगा। माइलेज जो है अराउंड ये करीब करीब आपको जो है 50-60 KMPL का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। काफ़ी बेहतरीन बाइक है भाई, पर्सनली इसको राइड किया है, पावर की आपको कोई भी कमी देखने को इसमें नहीं मिलेगी। और फिर से मैं आपको बता दूँ, सारी बाइक से आपको डिटेल रिव्यू सब कुछ आपको मेरे चैनल मिल
मिल जाएगा, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं भाई दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरे नंबर पे भाई बजाज को हम कैसे भूल सकते हैं। तो जी हाँ भाई, बजाज मतलब काफी कमाल करते जा रहा है भाई। बजाज की जो पल्सर 125 है वो आपको जो है भाई 99,000 से इसका ऑन रोड प्राइस जो स्टार्ट हो जाता है, जो इसका बेस वेरियंट है ड्रम वाला, वो करीब आपको 99,000 से देखने को मिल जाएगा। जो इसका टॉप वेरियंट है डिस्क वाला, जो स्प्लिट सीट कार्बन एडिशन वाला, वो करीब आपको 1,15,000 का देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली 1,15,000 का अगर आपका बजट नहीं है तो आप 99,000 वाला भी पल्सर 125 बाइक कर सकते हैं। अगर आपको मतलब एक स्पोर्टी लुक चाहिए, वही भाई पल्सर 150 वाला, इसमें जो कंप्लीट आपको लुक देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। मतलब इस अगर पूरे सेगमेंट की बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा एक बेहतरीन स्पोर्टी लुक आपको इसी में ही देखने को मिलता है। जितनी भी मैंने पाँचों बाइक्स ली है तो एकदम बढ़िया लुक देखने को मिल जाएगा। प्लस जो है ये हाईवे राइड्स के लिए आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका जो वेट है कर्वेट वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 140 से 142 किलो के अराउंड जो इसमें आपको कर्वेट देखने को मिलता है। तो हाई स्पीड में जो काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है भाई। सस्पेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, गड्ढों वड्ढों में जाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। इंजन जो है इसमें भाई 124.4 सीसी का जो है वही सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक 2 वाल्व का इंजन है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 11.6 PS की एंड टॉर्क जनरेट करता है भाई 10.8 Nm का। तो देख सकते हैं गाइस, आपको मतलब एक बढ़िया इंजन भी देखने को मिल जाता है, जो अच्छा आपको पावर भी निकाल के देगा, प्लस एक आपको स्पोर्टी लुक भी देखने को मिल जाता है। हालांकि माइलेज इसमें आपको बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप देखते हैं तो अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 KMPL का। तो अगर माइलेज से आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपको जो है एक बढ़िया स्पोर्टी लुक चाहिए प्लस अच्छा बिल्ड क्वालिटी और एक अच्छा इंजन में पावर चाहिए, तो डेफिनेटली आप बजाज पल्सर 125 को भी कंसिडर कर सकते हैं भाई। और भाई फिर से अब आते हैं अपने फर्स्ट नंबर की तरफ। तो फर्स्ट नंबर पे है भाई नन अदर देन होंडा की SP125 भाई। जी हाँ, और इसका प्राइस जो है भाई वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं कहूँ तो अगर आप 1,00,000 से थोड़ा सा 2-3,000 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तब आपके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी वर्थ रहने वाला है भाई। और मैं कहूँगा कि अगर आप 1,00,000 लगा ही रहे हैं भाई, तो 2-3,000-4,000 का मुंह मत देखिए। होंडा SP125 काफ़ी एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है भाई। टोटल इसमें आपको 3 वेरियंट्स हालांकि अब देखने को मिलते हैं, जो करीब 1,02,000 1,03,000 से स्टार्ट होता है और 1,10,000 तक देखने को आपको मिल जाएगा। और फिर अगर लुक्स की बात की जाए, तो काफ़ी ज़्यादा एक आपको स्टाइलिश लुक देखने को मिल जाता है, काफ़ी मस्कुलर टैंक आपको देखने को मिल जाता है भाई। फ्रंट में कंप्लीट LED सेटअप है भाई, LED आपको हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। और एक इंजन जो है भाई, इंजन का इसका क्या ही कहना, फिर से मैं बता रहा हूँ भाई, होंडा का इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी पावरफुल इंजन आपको देखने को मिल जाता है। कंप्लीट डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जिसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। और फिर माइलेज की बात की जाए, तो माइलेज भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है भाई। 60+ मतलब आपको ये माइलेज दे देगी, 60 KMPL के ऊपर ही जो है इसका आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। इंजन जो है भाई 124.5 सीसी का आपको देखने को मिलता है, वही सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व का, और पावर जो है 10.7 PS की जनरेट करता है, टॉर्क जो है 10.9 Nm का देखने को मिल जाएगा, और सिर्फ 116 किलो के कॉर्वेट के साथ आती है। तो पावर टू वेट रेशियो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। बाइक जो है मतलब अगर मैं देख कहूँ तो हर टर्म्स में आपको जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, इसलिए मैंने जो इसका इसका रैंकिंग जो है फर्स्ट नंबर पर किया है। भले ही जो आपको 1,00,000 से 2-4,000 ज़्यादा पे करना पड़े, बट डेफिनेटली ये बाइक जो है जितना भी आप इसके लिए पे करते हैं ना, वर्थ रहने वाला है। काफ़ी बढ़िया आपको पावर देखने को मिल जाएगी, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है बाइक की, और लुक्स और डिज़ाइन में भी कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छा माइलेज प्लस अच्छा पावर और अच्छे फीचर्स आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं होंडा की SP125 की तरफ भाई। तो गाइज ये थी सारी पाँचों बाइक्स जो मुझे बेस्ट लगी अंडर 1,00,000 में 2024 में, आपको जो है कंसिडर डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो 1,00,000 के अंडर कोई बाइक, जिसमें जो है आपको अच्छा फीचर्स माइलेज सारी चीज़ें जो है मैंने कंसिडर किया है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं भाई। और गाइज फिर से मैं आपको बता दूं कि कोई भी बाइक जो है भाई ख़राब नहीं होती हैं, सब बाइक्स अपनी अपनी जगह जो है बेस्ट होती हैं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आपके लिए कोई और बाइक अच्छी हो सकती है, अगर आपको पावर चाहिए तो कोई और बाइक आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप चूज़ कर लीजिएगा वाइजली। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारी बाइक्स का डिटेल रिव्यू, स्पीड टेस्ट और डिफरेंट बाइक्स के साथ कंपैरिजन भी आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और जो है अगर आपको कोई भी अदर बाइक्स के साथ किसी भी बाइक का कंपैरिजन देखना है, तो वो भी नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। और अगर आप इन पाँचों बाइक्स में किसी को ओन करते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट्स में उसकी जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो भी आप एक बार बता सकते हैं, जो भी आपको लगा हो इतने टाइम में। तो बस भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।